सर, पटना में आज पहली बार पावन धरती पे इस्पात मंत्री आरसीपी सर आ रहे हैं और पटना पूरा दुल्हन की तरह सज गया है। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता वासियों को? सर देखिए, आज तो जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता लोग हैं पूरे बिहार के, सब उत्साह में हैं और उत्साह का ही देन है कि आज आप देखेंगे तो पूरा पटना सजा हुआ है और सारे कार्यकर्ता अपने इच्छा से स्वेच्छा से सब लोग पटना में एकत्रित हो रहे हैं उनके स्वागत के लिए। माननीय आरसीपी बाबू जो इस्पात मंत्री बने हैं वो कार्यकर्ताओं से एक डायरेक्ट जुड़ाव रखते हैं, जैसे जिला वाइज दौरा करते हैं या कहाँ भी बैठते हैं कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हैं, तो कार्यकर्ताओं में एक उनके प्रति जो लगाव है बस उसी का आज जो है जश्न। सर, क्या क्या कार्यक्रम आज होगा? सर, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? सर तैयारियां क्या है, तैयारियां तो जिनको जैसा जो कार्यकर्ता फूल से स्वागत करेंगे, कोई अंग वस्त्र से स्वागत करेंगे, कोई अपने ध्वनि से ही स्वागत करेंगे, यही है तैयारी। तो स्पेशल नहीं है, बट हाँ सब लोग एकत्र हो रहे हैं उनके स्वागत के लिए पटना में। मैं सीतामढ़ी से हूँ, उत्तर बिहार के सब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। तो तैयारी ऐसा है कि जो हम लोगों ने जितने भी कार्यकर्ता आएंगे उनके लिए खाना पीने का खाने का व्यवस्था रखा हुआ है और बस हम लोग स्थल का अभिनंदन स्वागत करेंगे। आपको गिनती नहीं है, वो तो कोई गिनती नहीं, बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं पटना में और आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं, कोई ऐसी गिनती नहीं। ठीक, थैंक यू सर।